खबरी का उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री से भी है, जहां भर्ती परीक्षा को अग्नि परीक्षा बना देंगे, मानो बेरोजगारों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सड़क पर नौकरी पाने की लड़ाई लड़वाने की कसम खाकर जिम्मेदार विभाग और मंत्री बैठे हों। जो बात हम आपसे आज कह रहे हैं, इसकी वजह देखने के लिए उत्तर प्रदेश चलिए, जहां सैकड़ों महिलाएं अपनी नौकरी के लिए बच्चों को लाकर धरना देने को मजबूर कर दी गई। जगह यूपी ट्रिपल एससी का दफ्तर लखनऊ। आप अपने बच्चों को लेकर मॉल जाते होंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार सरिता चौहान नौकरी के लिए प्रदर्शन में बेटी को लेकर आने के लिए लाचार है। छह महीने से आयोग दौड़ रहे हैं, विभाग दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ दौड़ के लेटर लिख रहे हैं, जनता दरबार दौड़ रहे हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। बस हम लोग जब जाते हैं बस आश्वासन हमें मिलता है। आप अपने बच्चों को लेकर किड्स जोन में फन करने जाते होंगे। प्रियंका अपनी पीहू को लेकर धरना स्थल आने के लिए मजबूर हैं। एग्जाम के लिए हम लोग धरना रखे तो एग्जाम होता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट के लिए फिर उसमें ट्विटर कैंपेन करो, कहीं फिर धरना धरो कोर्ट का मुता को, फिर उसके बाद में हम लोग का रिजल्ट आया, रिजल्ट वो कहते हैं आंसर की आई, फिर उसमें दिक्कत है, फिर संशोधन आंसर की आई, फाइनल रिजल्ट तक नहीं जारी करा। प्रियंका ने जब नौकरी के लिए इम्तिहान दिया, पीहू का जन्म भी नहीं हुआ था। अब पीहू 3 साल की होने वाली है। भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार पूरी नहीं कर पाई। कौन हैं ये लोग जिनकी न सरकार सुनती है, न सरकार के मंत्री, न सरकारी सिस्टम। वही और प्रदर्शन नया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली एक और भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती, जिसमें 2,650 के ऊपर के पद और संघर्षरत यूपी के अलग अलग जिलों से आई छात्राएं आज अधीनस्थ आयोग सेवा चयन आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। ध्यान से इस दस्तक को देखिए, इनके उदास चेहरों को देखिए, क्योंकि ये उसी पद के लिए 3 साल से संघर्ष करती महिलाएं हैं, जिनके काम के ही दम पर सरकारें वाहवाही लूटती। सरकार कहती कि देश में हर बच्चे का गर्भ से लेकर जन्म के 6 वर्षों तक ज्ञान आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए रखा जाता है। सरकार इसीलिए मुख्य सेविका का पद रखती है। उत्तर प्रदेश में उसी मुख्य सेविका पद के लिए 2021 से धरना दे देकर नौकरी के लिए लटकाया जा रहा है। जिन्होंने 2021 में पीईटी की परीक्षा पहले पास की, अगस्त 2022 में मुख्य सेविका के 2693 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आया, सितंबर 2023 में जाकर परीक्षा हुई, 34,000 महिलाएं बैठी, आंसर की आई, पता चला कई सवाल गलत पूछे गए, तब तक संविदा पर पहले से काम करने वाली महिलाएं हाई कोर्ट चली गईं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, नतीजा 2021 से नौकरी का संघर्ष जारी है। अपने बच्चे को लेकर मैं मायके में रह रही हूँ, मायके में रहना कितना दर्दनाक होता है आप समझ सकते हैं। मैं इस समय बेसहारा हूँ, मैं जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरी इसी जॉब का मुझे सहारा है कि ये जॉब लग जाए तो एटलीस्ट मैं अपने रहने घरने का खर्चा उठा सकूं। अब ये सब प्रदर्शन करती हैं, कभी मुख्यमंत्री के सामने, कभी मंत्री के सामने, कभी यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर के सामने। इन्हें अपने घर की बहू बेटी समझकर सोचिए, आप इनके लिए क्या आवाज नहीं उठा सकते। इनका मुद्दा लेकर समर्थ श्रीवास्तव यूपी ट्रिपल एससी के नए चेयरमैन ओएन सिंह के पास पहुंचे। जो वहां काम कर रहे थे उन्होंने नियुक्तिकरण को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हैं, उच्च न्यायालय ने पूरे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हम लोगों ने यह प्रकरण शासन के संदर्भित कर दिया है, शासन में अनुरोध भी कर लिया गया है और शासन से पैरवी होकर के जब ये स्थगन आदेश समाप्त होगा तब हम अगली भर्ती की कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन ने हंसते हुए कह दिया, मामला अदालत चला गया तो हम क्या करें, अब जो करना है यूपी की सरकार, विभाग और मंत्री को करना है। आज तक खबर को बीच में कहीं छोड़ता नहीं, इसीलिए अब इस घर को देखिए। ये घर बेबी रानी मौर्य का है। बेबी रानी मौर्य ही उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री है। जहां मंत्री के घर के बाहर लिखा है, मिलने का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, लेकिन ये वक्त मिलने का शायद आता ही नहीं है। से हम ये कोशिश करते हैं कि बेबी रानी मौर्य से बात हो जाए, उनके साथ रहने वाले सहयोगियों से भी बात होती है, लेकिन समय नहीं मिल पाता है और लगभग 2 से 3 घंटा इंतजार करने के बाद हालत ये होती है कि मंत्री जो हैं वो जवाब देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है।
मंत्री के घर पर जवाब नहीं मिलता। यूपी ट्रिपल एससी कहता है कोर्ट ही बताएगा, और कोर्ट में आरोप है कि सरकार की तरफ से पक्ष इतने लचर तरीके से रखा जाता है कि जल्दी न्याय की उम्मीद ही नहीं दिखती। तो आप बताइए, क्या तब तक इन महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यूं ही सड़क पर लुंज पुंज नीतियों से लटकी नौकरी के लिए घिसटते छोड़ दिया जाए या दस्तक दी जाए?